फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मेरा व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 15 दिन हो गए हैं और अभी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हुई है तो व्लॉग स्टार्ट करा है अपना। सॉरी, क्या कर रहे हो? और फ्रेंड्स, हमारे अलमीरा में दीमक लग गई जिसकी वजह से हमने सारी अलमीरा खाली करी है। अपने आपको दिखाते हैं, ये गाइस, में पूरी में दीमक लग गई थी, पूरी खाली करी है। अभी तो पता नहीं, बहुत पूरा काम फैला फिर घर में, इसमें भी और ये वाले अलमारी में भी, इसमें पूरे में दीमक लग गई थी अलमीरा में। बस खाली कर रखी है अभी इसको, 15 दिन इसमें कपड़े भी रखने नहीं है। छोटा सा टॉय रखा हुआ है, पूरी अलमीरा खाली हो। नहीं नहीं, हटो हटो हटो, छोटे छोटे कीड़े हो गए थे, अब इसमें दवाई डाली हुई है हमने। 10-15 दिन इसमें कपड़े रखने ही नहीं हैं। और गाइस सॉरी, हमारा व्लॉग नहीं आ पाया है, कम से कम 15 दिन हो गए, 15 अगस्त के बाद हमारा व्लॉग नहीं आया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी थोड़ी सी ठीक है, अब भी ठीक नहीं हूँ। तो आपको पता है, जब तबीयत ख़राब है तो व्लॉग कैसे बनेगा, मेरे से नहीं बन पाया व्लॉग, है ना? श्योर है? 15 दिन से कंटिन्यू दवाई खा रही हूँ और अब इतनी वीकनेस आ गई है कि घर का काम ना सब ऐसे ही पड़ा रहता है। अभी भी सारा काम पड़ा है, काम करने को भी मन नहीं करता है। ये नमकीन नुकसान करती है, नमकीन। चलो बेड शीट सही करो, क्या हालत हो रही है बेड शीट की? आप हम घर के में ले रही हो बच्चे वैसे काफ़ी हेल्प करते रहते हैं मेरी काम में, जितना जितना बच्चे कर सकते हैं। जैसे बेड शीट सही कर देनी है या फिर अपने कपड़े रख देने हैं ठीक से। अभी तो सारे कपड़े हम लोगों के सारे कहाँ रख रखे हैं, एक ही अलमीरा में रखे हैं सारे कपड़े, बस ऐसी बकवास हो रखे हैं। अभी 10-15 दिन बाद फिर अलमीरा में रखेंगे कपड़े। गाइज, अंश गया है अभी ट्यूशन और रक्षाबंधन आ रहा है तो हम अपना रक्षाबंधन का व्लॉग जरूर बनाएंगे। नहीं, कल रक्षाबंधन नहीं है, कल रात को 9 बजे से राखी बनेंगे, सुबह 7:30 बजे तो कल भी रक्षाबंधन नहीं है और रात को 9:30 बजे शुरू होगी। और मैंने तीजों पे मेहंदी लगाई थी इतनी सुंदर, तो उसका व्लॉग भी नहीं बन पाया। हाँ, कल रक्षाबंधन है और इन्होंने हमें भी बस एक पतंग आई है कट के। एक चीज बताऊँ, एक पतंग मतलब हमारी सारी पतंग कट गई थी, 2 पतंग तो इंच बाइंड फाड़ दी क्योंकि उनसे कागज वाली उल्टी नहीं, पिन्नी वाली उल्टी है। तो पता है पिन्नी वाली भी कट गई। तो पता है वो एक बार सीढ़ी पे चढ़े थे सबसे ऊपर, सबसे ऊपर चढ़े थे, आप पिटाई लगाऊंगी। और फिर बाद में वो एक और पतंग आई, मैं भाग रहा था इतने वो ऊपर चली गई, फिर से वो ऊपर गए और फिर से उसे लाए। वो वाली पतंग बहुत अच्छी थी, चोरी से बोल रहे हैं, चोरी गंदी बात है ना, किसी और की चुरा रही थी, क्या हो गया, सब चुराते हैं नहीं। तो गाइस, हम गाइस अपनी गली में सब और सब बच्चे पतंग चुराते हैं, तो हम तो हमें नहीं चुरानी है ना पतंग किसी तो की, हम कौन सा खरीद के, तो हम कौन सा आपको कम लग रहे? तो आप चोर बनोगे हैं, पतंग चोरी करे तो चोर बन गए, पतंग चोर। हाँ, तो वेरी बैड, ऐसे नहीं करते हैं। जैसे और गलत काम करेंगे तो आपको गलत काम नहीं करना। देखो आपका मुंह मेरे मुंह पे आ गया। तो गाइस, अभी मैं पूरा ट्राई करूंगी, मैं डेली व्लॉग अपना लेके आऊं। बस आप लोग प्लीज हमें अपना प्यार बनाए रखिए, हमें सपोर्ट करिए। अभी बस तबीयत खराब नहीं, तबीयत खराब होने की वजह से व्लॉग नहीं आ पाया, एक ही व्लॉग पे न्यूज आई है बस। और बच्चे की इनकी स्केटिंग क्लास भी बंद हो गई इसी वजह से, क्योंकि बस ये हालत हो गई कि मैं स्केटिंग क्लास लेके भी नहीं जा पाती थी, इतनी कमजोरी आ गई। अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है, इनकी पढ़ाई का भी इतना लॉस हो रहा है कि आगे अपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा पाती हूँ, अपने आप ही कर रहे हैं प्रिपरेशन, इनके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। तो पूरा ट्राई रहेगा कि डेली व्लॉग आए हमारा। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे। तो गाइस सौर्य और अंश काइट उड़ा उड़ा कर आए। कितनी काइट काटी आज?
जीरो काटी एक कटी। बस इनको पतंग की लग रही है, इनको बस चले ना सारी रात पतंग उड़ाएं। शौर्य आप क्या कर रहे हो? शौर्य ने इस बाइक की रेड पीट रखी है। कल कितनी पतंग उड़ेंगी? हैंग नहीं, जीरो। अब पर कल की छुट्टी भी नहीं है ना, परसों की है छुट्टी स्कूल की। और लाने में नहीं दिखी? नहीं, परसों ले आना। परसों बच्चे पूरे दिन पतंग उड़ाएंगे धूप में, चाहे ना पसीने आए चाहे ना आए, पर ये पसीने तो आएंगे। पूरे दिन उड़ेंगी परसों? उड़ाने दोगी आप? चल ठीक है। चलो गाइस, ये बच्चों के लिए रक्षाबंधन के लिए दो पतंग तो ला ही सकते हैं, एक शॉर्ट के लिए गंस के। गाइस आप हमारी इस वीडियो पर लाइक करिए, कितनी? 20 लाइक कर दो तो मैं अंश के लिए 10 पतंग ला दूंगी। नहीं, तो इसका इस वीडियो को बता दीजिए 9000 सब्सक्राइब कर लो। 10 लाइक 10 लाइक। तो सौर्य के लिए और अंश के लिए मैं 10 पतंग ला सकती हूँ। चलिए ठीक है, पूरे 5 मिलियन कर दो। आज हमारा व्लॉग पूरा 15 को व्लॉग हमारा डला था, 9 दिन बाद हमारा व्लॉग आ रहा है और अब हम अपना व्लॉग डेली अपलोड करेंगे। ठीक है अंश, डेली हो जाएगा ना? क्योंकि YouTube, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अंश भी बीमार हुआ है बहुत और अब मैं भी बहुत बीमार हूँ, अभी थोड़ी सी रिलैक्स है। तो बस देखिए, बुक्स रखी हैं बच्चों की पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाऊँगी अभी थोड़ी देर क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कब से एग्ज़ाम शुरू हैं? 7 से एग्ज़ाम भी शुरू हैं और स्केटिंग क्लास भी दोबारा स्टार्ट करेंगे, मे बी कि जल्दी बच्चे स्केटिंग क्लास भी जाएं अपने, क्योंकि बच्चों का मन नहीं लग रहा है स्केटिंग क्लास छोड़ के, है ना शौर्य? चलेंगे। चले गाइस, अभी इन्हें खाना पीना दे दें हम, फिर आपसे मिलते हैं। शौर्य क्या कर रहे हो? खाना खा रहा है, दाल और रोटी। अंश, अंश को डॉक्टर के जाना है 9:30, इतना लेट नंबर लगा है इसका, इसको गले में दर्द हो रहा है, पसलियों में परेशानी हो रही है। अंश खड़ा हो, पैर में दर्द हो, पैर में दर्द हो रहा है। कान्हा जी को भोग हमने लगा दिया है, बस उनको सुलाएंगे अभी थोड़ी। कभी ठीक हो जाए, कभी बंद हो रहा है। कोई बात नहीं, दवाई लगा दूंगी, तो रोटी खा ले आकर। गाइस ही अपने आप रोटी खाता है ना, तो बिना सब्जी के दाल के खाता है और मैं इसको खिलाती हूँ तो ये खा लेता है फिर दाल सब्जी से, है ना सौर्य? अच्छी लग रही है दाल? और गाइस मेरा तो दवाई खा खा के ही पेट भरा जा रहा है, हर 3 घंटे में दवाई खानी है मुझे अपनी, तो दवाई खा खा के पेट भरा जा रहा है, मन ही नहीं करता है खाना खाने के लिए। टीवी देखना है, पढ़ना भी है, स्कूल का होमवर्क भी करना है। तो गाइस मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में, और ये सोने का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं सो रहा है ये, जगाती हूँ इसे भी अभी। तो गाइस रात के 10:30 हो गए हैं और अंश की तो तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर को दिखा के आया और वो अभी जग रहा है अभी। भैया वो नाम लिखना है मुझे, ले पानी पी ले। गाइस की भी तबीयत ख़राब हो गई है, गले में दर्द, पसले में दर्द, बुखार हो गया है। इसका नंबर 9:30 था, अभी आया है बस थोड़ी देर पहले, 10:30 बज रहे हैं। अभी ठीक है बेटा? आराम लग रहा है? चल ठीक है, सो जाए, सो जाए आराम से। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इसको बना दिया है और बच्चे सो गए हैं, कान्हा जी सो गए हैं। तो गाइस मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहीं एंड, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। 1 महीना हो गया अंश को जब टाइफाइड हुआ, अंश ज़्यादा बीमार हुआ, फिर से उसको फीवर हो गया, 15 दिन से मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए हमारा व्लॉग नहीं आ रहा था। तो प्लीज़ हमारे व्लॉग को सपोर्ट करें और मैं मिलती हूँ अपने कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और टेक केयर। फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आप सब अपना ध्यान रखें, तुरंत डॉक्टर से मेडिसिन लें, ब्लड टेस्ट कराएं, 2 दिन में आराम नहीं होता है तो, और अपना ध्यान रखें। और राधे राधे, मैं आपसे कल नए ब्लॉग में मिलती हूँ। राधे राधे, बाय बाय।